यूरोप, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो थिक ग्रीन फॉरेस्ट से ढका है। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक फैले लगभग हर छोर से लगे इन नेचुरल जायंट्स की शेल्टर में बेजोड़ हैबिटेट्स फ्लरिश कर रहे हैं। इनसे ही जंगलों में लाइफ आगे बढ़ती है। लेकिन मौसम बदलने पर क्रीचर्स को कभी पेट भर खाना मिलता है, कभी भूखे ही रह जाते हैं। यूरोप के वुडलैंड्स में न खाने की कोई कमी है और न ही खतरों की। कभी यूरोप का 90% हिस्सा जंगलों से ढका था, पर करीब 75,000 ईयर्स पहले आखिरी आइस एज के दौरान फ्रीजिंग टेम्परेचर से ये जंगल खत्म हो गए। आज इन पेड़ों ने दोबारा इस कॉन्टिनेंट पर कब्जा जमा लिया है और तेजी से फैल रहे हैं। इंसान के इंटरफेयर ना करने की वजह से इस कॉन्टिनेंट पर वही वुडलैंड्स दोबारा फैल जाएंगे। पर अब भी जंगल के ऐसे कई हिस्से हैं जहां वही लंबे चौड़े पेड़ पाए जाते हैं जो हजारों सालों से अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। सेंट्रल यूरोप के चारों ओर ओक्स और बीच हैं, जबकि द टाइगर कहे जाने वाले एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर्कटिक सर्कल के ठीक नीचे फ्लरिश कर रहे हैं। हजारों सालों से इस कॉन्टिनेंट की वाइल्ड लाइफ नए नए तरीकों से इवॉल्व हो रही है ताकि इन जंगलों से मिलने वाली हर चीज का फायदा उठा सकें। हालांकि यहां शिकार का छिन जाना कोई बड़ी बात नहीं। मौसम बदलने से जंगल के सबसे बड़े कार्निवोर को भी सर्वाइवल के लिए मीट के बजाय प्लांट्स और बेरीज खाकर काम चलाना पड़ता है। कार्पेथियन माउंटेन्स सेंट्रल यूरोप की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, जो वेल्स से 10 गुना बड़े एरिया में फैली हुई है। जमीन से 2500 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे इन माउंटेन्स में कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, जो आज भी अनछुआ है। ये एंशियंट वुडलैंड्स हजारों सालों से अनछुए और बिना बदले पहले की तरह टिके हुए हैं, और यहां 500 से भी ज्यादा अलग अलग एनिमल स्पीशीज रहती हैं। ये सही मायनों में एंशियंट यूरोप को रिप्रेजेंट करते हैं। बीते कल की झलक दिखाने वाला एक और क्रीचर दबे पांव आगे बढ़ रहा है। विंटर के आखिरी स्नोफॉल में इस शिकारी के पंजों के निशान बिल्कुल नहीं देखे जा सकते। यूरोप के तीसरे सबसे बड़े प्रेडेटर यूरेशियन लिंक्स को किसी का डर नहीं। इसका इकलौता दुश्मन है विंटर। पर यह स्पीशीज पेड़ों की तरह यहां कई हजारों सालों से है, और इसने जंगल के बुरे से बुरे सीजन का सामना करने के लिए खुद को अडैप्ट कर लिया है।
लिंक्स के मोटे फर पर फ्रीजिंग विंटर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता और इनके वाइट पैडेड पॉज इन्हें बर्फ पर आसानी से चलने में मदद करते हैं। वैसे गर्मियों में तो ये पत्तियों वाली ब्रांचेस में छुपकर शिकार करते हैं, पर सर्दियों में जब पेड़ों पर पत्ते नहीं होते तो इनका फर फीका पड़ जाता है और ये जमीन के करीब ही रहते हैं। ये यूरोप की सबसे बड़ी वाइल्ड कैट हैं, जिनका वेट करीब 40 किलो तक होता है। ये कैट्स अपने से चार गुना बड़े एनिमल का भी शिकार कर सकती हैं, पर विंटर में छिपकर शिकार करने का मौका ना मिलने से बड़ा शिकार करना मुश्किल होता है। वैसे इस मेल को जो मिले उससे ही पेट भर लेता है। जब शिकार मिलना मुश्किल हो तो ये खाना ढूंढने के लिए अपने सेंसेस के भरोसे रहता है। इसका विजन इतना शार्प है कि एक छोटा रोडेंट इसे 75 मीटर्स दूर से भी दिख जाता है, पर इससे लिंक्स की कोई खास मदद नहीं होगी क्योंकि वोल्स काफी गहराई में हैं। लिंक्स के कानों पर लगे हेयर टफ्ट से ये साउंड वाइब्रेशन सुन लेता है, जिससे इसे सुनने की अमेजिंग एबिलिटी मिलती है और इसका ध्यान बर्फ के नीचे दौड़ रहे रोडेंट की तरफ है। लिंक्स बहुत तेज नहीं दौड़ पाते, बल्कि ये अचानक अटैक करने के लिए बने हैं। ये अपने शिकार की ओर दबे पांव बढ़ता है। इसके बैक लेग्स फ्रंट लेग से ज्यादा लंबे होते हैं ताकि ये शिकार को एक छलांग में पकड़ ले। लिंक्स को पता है इसे सिर्फ एक मौका मिलेगा। सब कुछ एक्यूरेसी पर टिका है। वो पाउंस करने के लिए तैयार होता है। तीर निशाने पर लगा। फॉरेस्ट कवर प्रेडेटर और शिकार दोनों के लिए जरूरी है, पर कभी कभी एक एनिमल की खुशकिस्मती दूसरे की बर्बादी हो सकती है। ये पेड़ बड़े क्रीचर्स को भी छुपाए हुए हैं। इसी जंगल में रहता है एक बीस्ट। यूरोपियन बाइसन कॉन्टिनेंट का सबसे हैवी लैंड मैमल है। 2 मीटर से ज्यादा लंबे ये बाइसन्स करीब 100 किलो तक के होते हैं। इनकी मोटी स्किन इन्हें सर्दियों में ठंड से बचाती है। सर्दियों में यहां टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर सकता है।
इनकी ठंड सहने की खासियत की वजह से ही ये बायसन उस आइस एज में भी सरवाइव कर गए जिसमें वुली मैमथ भी ना बच सका। पर इनके सर्वाइवल में इस जंगल का भी बड़ा हाथ है। ऐसा माना जाता है कि ये ग्रासलैंड्स में इवॉल्व हुए, बिल्कुल अपने अमेरिकन कजिन्स की तरह ये जानलेवा विंटर्स में जंगल की तरफ चले जाते हैं और शिकारियों से बच जाते हैं। ये अपने अमेरिकन कजिन से पतले हैं और इनकी गर्दन भी सिर ऊंचा उठा पाने के लिए इवॉल्व हुई हैं। ऊंची गर्दन की मदद से ये बर्फ से ढके मैदानों की बजाय जंगल की अंडरग्रोथ से पेट भर लेते हैं। अब ये जंगल में रहने के लिए अच्छी तरह अडेप्ट हो चुके हैं और इस शानदार जगह को बदले में बाइसन भी कुछ देते हैं। ग्रेजिंग बाइसन इन जंगलों में मेडोज जैसी खुली जगह बना देते हैं जिससे यहां गर्म मौसम के इंसेक्ट्स और बर्ड्स आ जाते हैं और गर्मी का मौसम बस अब आने ही वाला है। अर्थ की डायरेक्शन बदलने से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज के सामने आ गया है। इससे यूरोप के जंगलों में अब बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। सेंट्रल यूरोप में स्प्रिंग ने आते ही अपने रंग बिखेर दिए हैं। पिछले साल गिरी हुई पत्तियों के नीचे से रंग बिरंगे फूल निकलकर जंगल को रंगों से ढंक रहे हैं। और सैपलिंग सीडलिंग्स जमीन से ऊपर आ रहे हैं। जिस डेसिडुअस फॉरेस्ट ने विंटर में अपनी लीव्स खो दी थी उस पर भी नई पत्तियां आ गई हैं। कार्पेथियन फॉरेस्ट की कैनपीज के बहुत ऊपर रॉकी आउटक्रॉप में हाइबरनेट कर रही एक फीमेल बेयर भी अब अपनी गहरी नींद से उठ रही है। विंटर में ब्राउन बेयर्स आइसोलेटेड डेंस में हाइबरनेट करते हैं। एनर्जी कंजर्व करने के लिए सर्दियों में इनका मेटाबॉलिक रेट चेंज हो जाता है। इस फीमेल का हार्ट रेट 15 बीट्स पर मिनट तक स्लो हो गया जिससे ये बिना खाए पिए 100 दिन तक सरवाइव कर सकती है। कार्पेथियन में करीब 8,000 ब्राउन बेयर्स रहते हैं जो कॉन्टिनेंट की टोटल बेयर पॉपुलेशन का 60% हिस्सा है। पिछले 2 महीनों से इस फीमेल का साथ कोई और भी दे रहा था। विंटर के सबसे ठंडे हफ्तों में इसने अपनी गहरी नींद के दौरान एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म के वक्त ना ये बच्चा देख सकता था, ना इसके दांत थे और ना बाल, पर इसे अपने आप पता था क्या करना है और ये स्प्रिंग के आने तक अपनी मदर से चिपका रहा और उसके मिल्क पर फीड करता रहा। स्प्रिंग के आते ही बच्चे को पहली बार बाहरी जिंदगी देखने का मौका मिल रहा है। बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। पहले
पहला पेड़ दिखते ही उसने मस्ती शुरू कर दी। बेयर्स अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं, पर जंगल में जाने से पहले इस बच्चे को अपनी माँ से बहुत कुछ सीखना होगा। यूरोप के नॉर्दर्न रीजन में काफी घना जंगल है जो हजारों सालों से इन ब्राउन बेयर्स को शेल्टर देता आ रहा है। आर्कटिक सर्कल से सटा ये है द टाइगर, जंगलों का एक बैंड जो अर्थ को चारों तरफ से घेरे है। यह वर्ल्ड के फॉरेस्ट कवर का 1/3 हिस्सा है। टाइगर का करीब 80% हिस्सा यूरोप में है जो 5 कंट्रीज में फैला हुआ है। यूरोप के फिनलैंड में सबसे घने जंगल पाए जाते हैं जो लगभग पूरी तरह टाइगर फॉरेस्ट से ढका है। यहां ऊंचे ऊंचे कॉनिफरस ट्रीज का राज है। ये यूरोप के लोअर लैटिट्यूड्स पर पाए जाने वाले जंगलों से अलग हैं। इन ट्रीज की नीडल जैसी पत्तियां कभी भी एक साथ नहीं गिरती ताकि ये जितनी हो सके उतनी डेलाइट एब्जॉर्ब कर सकें। ये पेड़ साल भर ग्रीनरी बनाए रखते हैं। इस इलाके में सिर्फ 2 मेन सीजन्स होते हैं, समर और विंटर। आर्कटिक विंटर्स की जबरदस्त ठंड में अडेप्ट होने के लिए इन नीडल्स का एक्सटीरियर वैक्सी हो गया है। वैक्स पत्तियों को फ्रीज होने से बचाता है और बर्फ का जमाव ना होने पर पेड़ भी गिरने से बच जाते हैं। इन घनी ब्रांचेस के नीचे अंडरग्रोथ तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती और वो कोई प्रोटेक्शन भी नहीं देते, खासकर जब जंगल में इतने कार्निवोर्स रहते हों। हाइबरनेशन से बाहर आए इस बेयर की एपेटाइट बहुत ज्यादा है। ये बेचारा रेंडियर सर्दियों की जबरदस्त ठंड नहीं झेल पाया और अब इस बेयर के पेट भरने के काम आ रहा है। घूमते हुए आए सीगल के साथ खाना शेयर करने में इसे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इससे बड़ा कोई एनिमल आया तो झगड़ा शुरू हो सकता है, जो ये कमजोर बेयर बिल्कुल नहीं चाहेगा। गर्मी के महीनों में पेट भर खा लेने के बाद मेल ब्राउन बेयर्स का वेट करीब 500 केजीस तक हो सकता है, पर विंटर में हाइबरनेशन के दौरान इसने लगभग 1/3 बॉडी वेट लूज कर दिया है। जितनी जल्दी हो सके कवर अप करना होगा अगर उसे सरवाइव करना है तो। इससे पहले कि टाइगर में कुछ दिनों की मेहमान ये गर्मियां खत्म हो जाएं, ये मेल बेयर कई महीनों तक हर दिन करीब 40 केजीस तक खाना खाएगा। विंटर जंगल में सब एनिमल्स के लिए मुश्किल भरी थी और यहां भी कार्निवोर्स हैं जिन्होंने कई हफ्तों से कुछ नहीं खाया है। ग्रे वोल्व्स डॉग फैमिली के सबसे बड़े मेंबर्स हैं। ये क्रीचर सोशल होते हैं और करीब 6 मेंबर्स के पैक में रहते हैं। जैसा ज्यादातर वुल्फ पैक्स में होता है, ये उन अल्फा मेल और फीमेल के बच्चे हैं जो इस झुंड के इंचार्ज हैं। सुबह की थोड़ी सी मस्ती के बाद अब समय है खाना ढूंढने के काम पर लगने का। ये एनिमल्स शिकार में एक्सपर्ट होते हैं और इस वुल्फ को शिकार की खुशबू मिल गई है।
स्ट्रीमलाइन्ड बॉडीज और इलॉन्गेटेड लेग्स की मदद से ये क्रीचर्स बहुत तेज दौड़ लेते हैं और आसानी से 50 किलोमीटर की स्पीड तक पहुंच सकते हैं। इस अल्फा मेल का वेट एवरेज मैन जितना हो सकता है। सिर्फ इसके कैनाइन टीथ ही 5 सेंटीमीटर लंबे हैं। ये खतरनाक हैं, पर बहुत सफाई से शिकार करते हैं। पर जंगल में ये जरूरी नहीं कि हर बार खुद शिकार किया जाए। वुल्व्स को 3 किलोमीटर दूर से ही खाने की खुशबू आ गई है। वो भूखे हैं और कोई भी दावेदार इन्हें ये खाना हथियाने से रोक नहीं सकता। इस बेर को आज सीख मिल जाएगी कि फाइंडर्स कीपर्स रूल जंगलों में हमेशा नहीं चलता। वुल्व्स को भी होशियार रहना होगा। यह बेयर वेट में इनसे 6 गुना भारी है। इसके पावरफुल पंजे का एक बार हड्डियां तोड़ सकता है। एक अकेला वुल्फ इस बेयर के सामने कुछ नहीं, पर यह वुल्व्स एक टीम की तरह काम करते हुए डेडली प्रेडेटर्स बन जाते हैं। कुछ ही मिनट में वुल्व्स ने बेयर को घेर लिया। एक वुल्फ ने बेयर को उसके खाने से डिस्ट्रैक्ट किया, जबकि बाकी उसके करीब पहुंच गए। बेयर चैलेंजर की तरफ जा रहा है। वो वुल्फ पर हमला बोलकर उसे भगाने की कोशिश करता है। वुल्फ्स चोरी करने में माहिर होते हैं और बाकी का पैक खाने पर हक जमाने पहुंच गया। इस बेयर को पता है कि यह हार चुका है। सबको पता है लड़ाई और बढ़ी तो कौन जीतेगा, इसलिए रिस्क उठाना बेकार है। अपने खाने को बचाते हुए वैसे ही इस बेयर ने काफी वैल्यूबल एनर्जी खो दी है, पर इसे पता है इन जंगलों में ऐसे और भी मौके मिलेंगे। टाइगर से 3000 किलोमीटर साउथ की ओर कार्पेथियन माउंटेन्स की जंगल से घिरी पहाड़ियों में सनलाइट ऊंचे पेड़ों से छनकर पहुंचती है और अंडरग्रोथ को फ्लरिश होने का मौका देती है। यहां बहुत छोटे स्केल पर एक छुपी हुई दुनिया है। अर्थवर्म्स यूरोप में 600 मिलियन ईयर्स से मौजूद हैं। ये जीते जागते फिल्टर सिस्टम्स हैं जो प्लांट्स और लीफ लिटर को प्रोसेस करके मिट्टी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स से भर देते हैं, जो कि कॉम्पोस्ट रूप में होती है। यह फॉरेस्ट फ्लोर की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है।
लेकिन ये अर्थवर्म यहाँ के एक और क्रीचर की डाइट का खास हिस्सा भी होते हैं। जंगल में रहने वाले दूसरे एनिमल्स की तरह ये फायर सैलेमेंडर भी हाइबरनेशन से बाहर आई है। पांच महीनों से ये एक बड़े सड़ते हुए लॉक के अंदर सर्दियां गुजरने का वेट कर रही थी। ये कोल्ड ब्लडेड लिजर्ड एम्फीबियन की तरह 25 सेंटीमीटर तक लंबी हो जाती हैं, और इनका नाम लुक्स और लेजेंड के कॉम्बिनेशन की वजह से पड़ा है। फायर सैलेमेंडर्स अपनी स्किन से एक टॉक्सिक पॉइजन निकालती हैं, जो उनके ब्राइट येलो पैचेस से पता चलता है। ये प्रेडेटर से बचने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म है। इनकी ब्लैक और येलो कलरेशन दूर रहने की वार्निंग का काम करती है। होपफुली इस फीमेल को अपनी डिफेंस पावर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब स्प्रिंग के आने पर उसे अपने कम हो चुके एनर्जी स्टोर्स को फिर से भरने की जरूरत है। फायर सैलेमेंडर्स कार्निवोर्स होती हैं और प्रोटीन से भरपूर वर्म्स, इंसेक्ट्स, स्लग्स का शिकार करती हैं। इनकी आईसाइट बहुत तेज होती है और काफी दूर से अपने शिकार पर नजर टिकाए रख सकती हैं। अगर उससे बात नहीं बनती तो वो अपनी सूंघने की ताकत से काम लेती हैं। फॉरेस्ट फ्लोर पर भरपूर खाना मिल सकता है अगर उसे ढूंढना आता हो। जब बात शिकार पकड़ने की आती है तो उसके पास बना बनाया फंदा है। वो सही मौके का वेट करती है और इंसान की आंख झपकने से भी तेजी से उनकी स्टिकी टंग बाहर लपकती है और शिकार का काम तमाम। इस फीमेल को एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत है क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। फायर सैलेमेंडर्स अपने ग्रुप में अकेली ऐसी मेंबर्स हैं जो जिंदा बच्चे को जन्म देती हैं। ज्यादातर दूसरे एम्फीबियंस अंडे देते हैं। जन्म देने के लिए अच्छी जगह ढूंढने के बाद वो अपने बच्चों को एक एक करके पानी में छोड़ती है। फायर सैलेमेंडर्स कई डेकेड्स तक जिंदा रह सकती हैं और अपनी पूरी जिंदगी में ये फीमेल करीब 1000 बच्चों को जन्म दे सकती है। पानी में गिरते ही बच्चों को अकेले सरवाइव करना पड़ता है। ये बच्चे कई महीनों तक पानी के अंदर रहेंगे और पानी के छोटे क्रस्टेशियंस और मस्किटो लार्वे से पेट भरेंगे। फिश से अलग इनके पास एक्सटर्नल गिल्स होते हैं जो फ्रिली मेन की तरह उनके सिर पर नजर आते हैं। रुके हुए पानी में ये अपने गिल्स को छलनी की तरह मूव कर लेते हैं, जिससे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन फिल्टर होती रहती है। लेकिन कभी कभी ये काफी नहीं होता और उन्हें सरफेस पर जाना पड़ता है।
वक्त के साथ साथ ये अपने गिल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे और पानी से बाहर आकर फुल्ली फॉर्म्ड फायर सैलेमेंडर्स बनकर जंगल में जाएंगे। वेस्टर्न यूरोप में फॉरेस्ट अंडरग्रोथ स्प्रिंग फ्लावर्स का कार्पेट होते हैं और फायर सैलेमेंडर्स से अलग ये मदर अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। इस रेड फॉक्स के बच्चे 5 हफ्ते के हैं। ये बच्चे अपना ज्यादातर वक्त अपनी मदर के साथ पास की डेन में बिताते हैं। जंगल ने पूरी सर्दियों में इन्हें शेल्टर दिया और मौसम की मार से बचाए रखा। ये हमेशा इन छोटे प्लांट्स के बीच नहीं छुप पाएंगे। अगले कुछ महीने इनकी हिम्मत और एंड्योरेंस का कड़ा टेस्ट होंगे। आगे नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल के पास टाइगर में धूप लगभग पूरे दिन खिली रहती है, जिससे प्लांट्स खूब फलते फूलते हैं। गर्मी की इस तेजी में जंगल में खाना ढूंढने वालों को तरह तरह का खाना मिलता है। ब्लूबेरीज और क्लाउडबेरीज हर जगह नजर आती हैं। जंगल में रहने वाले कई एनिमल्स का ये फेवरेट खाना है। हर साल फिनलैंड के जंगलों में 500 मिलियन किलोस वाइल्ड बेरीज होती हैं। इनमें कई जरूरी विटामिन्स और शुगर्स और साथ ही कैल्शियम भी होता है। इस ब्राउन बेर की डाइट में लगभग 50% फ्रूट और बेरीज होते हैं जो इसे मिलते हैं। गर्मियों के इन महीनों में यह हर दिन सैकड़ों फ्रूट और बेरीज खा जाएगा। पास के जंगल के एक एज पर इस फीमेल बेर को एक और टेस्टी खजाना मिला है। इस गिरे हुए लॉग में प्रोटीन से भरपूर इंसेक्ट्स भरे पड़े हैं। ये अपने लंबे कर्व क्लॉथ से लॉग को चीरती है और अपनी लंबी स्टिकी टंग से इंसेक्ट्स को बाहर निकालती है। इसे 3 बच्चों का पेट भरना है और गर्मियों के बाद जल्द ही सर्दियां आने की वजह से इसका अपने बच्चों को खुद खाना ढूंढना सिखाना जरूरी है। ब्राउन बेयर के बच्चों में से आधे पहले साल में ही मर जाते हैं, पर कुछ बच्चे फिलहाल सीखने के मूड में नहीं हैं। रेवेंस के पीछे भागने में उन्हें ज्यादा मजा आता है। पर ये खेल कूद सिर्फ मौज मस्ती नहीं है, ये जंगल के एनवायरनमेंट को जानने के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों को हर पोटेंशियल फूड सोर्स को पहचानना और उस तक पहुंचना सीखना होगा। भले ही जंगल भरपूर खाना देता है, पर लक हमेशा इनका साथ नहीं देगा। वुल्फ से हारने के बाद
मेल बेयर खाना ढूंढते ढूंढते एक फैमिली के इलाके में आ गया है। उसके अचानक आने से माहौल बदल गया है। इस फीमेल को होशियार रहना होगा। मेल बेयर्स अक्सर फीमेल्स के छोटे बच्चों को मार देते हैं ताकि फीमेल्स फिर से मेटिंग के लिए तैयार हो जाएं और मेल की ब्लड लाइन चलती रहे। फीमेल मेल से छोटी है और बच्चों को बचाने में उसकी जान जा सकती है। रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं। फीमेल बच्चों को पेड़ों की सेफ्टी में ले जाती है और बाकी बचे इंसेक्ट्स को मेल के लिए छोड़ देती है। कार्पेथियन माउंटेन्स के जंगलों में दिन हर रोज कुछ मिनट से छोटे होते जा रहे हैं। गर्मियों का वक्त खत्म होने वाला है, इसलिए जंगल के कुछ एनिमल्स उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। पानी से भरी क्लियरिंग में इस क्रीचर के काम के एविडेंस हर जगह नजर आते हैं। बीवर्स एनिमल आर्किटेक्ट्स होते हैं और यूरोप के सबसे बड़े नेटिव रोडेंट्स हैं। अपने शार्प टीथ से वो किसी भी पेड़ को नीचे गिरा सकते हैं। प्रेडेटर्स से बचने के लिए वो इन कटे हुए पेड़ों को ले जाकर डोम के शेप जैसे लॉज बनाते हैं। ये डैम भी बनाते हैं जिससे आसपास की स्ट्रीम्स का पानी स्लो हो जाता है और पानी से भरी बड़ी बड़ी क्लियरिंग्स बन जाती हैं। इससे जंगल का एनवायरनमेंट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब ये बीवर्स चले जाएंगे और ये डैम्स टूट जाएंगे तो जंगल का एक बड़ा हिस्सा हट जाएगा और पीछे रह जाएगा पेड़ों से घिरा हुआ मेडो। समर के आखिरी दिनों में कई तरह की एक्टिविटीज होती हैं। डैम्स के रिपेयरिंग और कीचड़ से लॉज के गैप्स भरना कभी न खत्म होने वाला काम है। पानी जमने में कुछ ही महीने बचे हैं और उनके पास सिर्फ इतना ही समय है। विंटर के दौरान वो लगभग हर समय अपने लॉजेस में ही रहते हैं और उन ब्रांचेस से पेट भरते हैं जो उन्होंने स्टोर्स में जमा कर रखी होती हैं। विंटर का मुकाबला करने के लिए उन्हें हर मुमकिन तैयारी करनी होगी। लेट सितंबर का वक्त है और कार्पेथियन फॉरेस्ट में ऑटम ने एक रेजिडेंट के लिए जबरदस्त लड़ाई के महीने की शुरुआत कर दी है। माउंटेन्स की शैडो में पेड़ों से घिरी हिल्स आमतौर पर साइलेंट रहने वाले क्रीचर की भयानक आवाज से जाग उठी हैं। ऑटम में रेड डियर बाहर निकल आते हैं। इन माउंटेनस फॉरेस्ट्स में वर्ल्ड के सबसे बड़े रेड डियर पाए जाते हैं जिनमें कुछ लगभग 2 मीटर तक ऊंचे और करीब 400 किलो तक के वजन के होते हैं।
साल के बाकी महीनों में मेल्स बैचलर हर्ट्स में घूमते हैं और इस समय सिर्फ मेटिंग करने फीमेल्स के पास आते हैं। इन्होंने अब जंग का ऐलान कर दिया है। सिर्फ डोमिनेंट मेल को ही अगले साल बच्चों को फादर करने का मौका मिलेगा। अब ये जगह जंग का मैदान बन गया है। इस डियर किंग को नया चैलेंजर मिल गया है। एक दूसरे को नापते हुए ये खूनी जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। एंटलर्स को लॉक करते हुए वो ताकत दिखाने के लिए एक दूसरे को पुश करते हैं। उनके एंटलर्स बोन के बने हैं और वो स्पीयर्स की तरह नुकीले होते हैं। ये उनके ओपोनेंट्स के फ्लैश को आसानी से चीर सकते हैं। इनमें से सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग और फिट मेल ही जीतेगा और ये टक्कर की लड़ाई है। एक गलत मूव खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन मेल का राइवल भाग गया। जीतने वाले को इस सीजन के खत्म होने से पहले और कई चैलेंजर्स मिलेंगे। ये कई हफ्तों तक चलने वाली लड़ाई होगी। जहां रेड डियर फॉरेस्ट क्लियरेंस को डोमिनेट कर रहे हैं, वहीं जंगल खुद ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कैनपीज कई अलग रंगों से भरी हुई हैं। विंटर के दौरान फोटोसिंथेसिस के लिए यहां भरपूर लाइट नहीं होती, वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स लाइट एनर्जी को फूड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जैसे दिन छोटे होते जाते हैं, जंगल तैयार होने लगता है। पेड़ों में फूड प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से पत्तियों में मौजूद केमिकल्स बदलने लगते हैं, जिससे पत्तियां नीचे गिरने से पहले ब्राउन, रेड और येलो के शेड्स में बदल जाती हैं। ऑटम पेड़ों के लिए भी अपने सीड्स बिखेरने का आखिरी मौका होता है। बीच और उसके अलावा कुछ ऐसी ही प्लांट स्पीशीज फॉरेस्ट फ्लोर पर ढेर सारे नट्स बिखेर देते हैं, जो जंगल के छोटे रेजिडेंट्स को बहुत पसंद होते हैं। हेजल डॉर्माइस जैसे छोटे मैमल्स हाइबरनेशन की तैयारी के लिए जितने हो सके उतने कैलोरीज जमा कर लेते हैं। इन नट्स में भरपूर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये खाना ढूंढने वालों की दावत है। जंगल के कुछ बेस्ट सर्वाइवर्स कैनपी में पाए जाते हैं, प्रेडेटर्स के चंगुल से बहुत दूर। रेड स्क्विरल्स, जिनका वेट 350 ग्राम्स के करीब होता है, वो इतनी हल्की होती हैं कि आसानी से ऊंची और पतली ब्रांचेस तक पहुंच जाती हैं। इस वजह से वो जंगल के सारे फूड को खा सकती हैं। वो बाग से लेकर मशरूम तक सब कुछ खा लेती हैं। डबल ज्वाइंटेड एंकल्स और लंबे क्लॉस की मदद से वो ब्रांचेस के ऊपर और नीचे दौड़ लेती हैं और ट्री ट्रंक्स के आसपास घूम लेती हैं, और वो पेड़ों के बीच 6 मीटर्स तक छलांग लगा सकती हैं।
ये एनिमल्स 3 महीने के हैं और कुछ ही हफ्ते पहले इन्होंने अपनी मदर को छोड़ा है। इनको अभी बहुत कुछ सीखना है। पूंछ को इस तरह हिलाना नर्वसनेस की निशानी है। लिंक्स जैसे कई प्रेडेटर्स होने की वजह से इनका घबराना जायज है। किसी हल्की सी हलचल से भी ये भाग जाती हैं। गर्मी के आखिरी दिनों में ये अपने आप को खेलने से नहीं रोक पाती। इन गेम्स की वजह से इनकी आने वाली टेरिटोरियल बैटल्स के लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। अगले 1-2 सालों में यंग स्क्विरल्स को अपनी टेरिटरीज के लिए लड़ना होगा। कार्पेथियंस के कई मैमल्स से अलग रेड स्क्विरल्स हाइबरनेट नहीं करती। इसके बजाय वो गर्मी के महीनों में जंगल से मिलने वाले खाने को जमा करने में लग जाती हैं। ये जंगल में बिखरे ढेरों हिडन स्टोर्स में मिलने वाले खाने को जमा कर लेती हैं ताकि खाने की कमी होने पर उसे इस्तेमाल कर सकें। इनकी इस जमा करने की आदतों से जंगल को भी बेनिफिट्स मिलते हैं। जिन सीड्स को स्क्विरल्स छुपाकर भूल जाती हैं, वो आने वाले कल के जंगल होते हैं। कुछ ही दिनों में टाइगर में विंटर की शुरुआत होने वाली है। इस ब्राउन बेयर फैमिली के लिए समय लगभग खत्म हो चुका है। इन्होंने 7 महीनों में जंगल से मिले खाने को भरपेट खा लिया है। बच्चों ने मुश्किल हालात को पार कर लिया और वो अब तक सरवाइव करके मोटे और हेल्दी हो गए हैं। अगले साल इन्हें अकेले मुश्किल महीनों का मुकाबला करना होगा। अगले कुछ वीक्स में उनकी मदर डेन बनाना सिखाएगी और वो एक साथ उसमें जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि इस विंटर में वो बच सकें जिसने एक बार फिर कॉन्टिनेंट्स के जंगलों पर अपना कब्जा जमा लिया है। इन जंगलों के हर क्रीचर ने खुद को अडैप्ट और इवॉल्व किया ताकि जंगलों से मिलने वाले खाने का पूरा फायदा उठा सकें। यहां के एनिमल्स या तो स्पेशलिस्ट्स हैं या इन्होंने वैरायटी को अपनाना सीख लिया है। यूरोप के जंगलों और वुडलैंड्स में सीजन्स के चैलेंजेस इन रेजिडेंट्स को या तो जीना सिखा देते हैं या हरा देते हैं। पर इतने सालों से ये जंगल एनिमल्स को प्रोटेक्शन देता आ रहा है और नेचर की मार से बचाता आ रहा है और दुश्मनों से भी। और जैसे जैसे पूरे यूरोप में जंगल फैलते जा रहे हैं, पेड़ों के ऊपर डिपेंड करने वाले क्रीचर्स सबसे मुश्किल सीजन को एक बार फिर हरा देंगे।